स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की किस अभिनेत्री को डैनी कॉय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसमें आपके चार ऑप्शन है। आपका जो ऑप्शन सही है वो है प्रियंका चोपड़ा, यानी कि सी। विवरण मैं आपको बता दूं कि यूनिसेफ द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को डैनी कॉय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस अभियान के तहत प्रियंका चोपड़ा बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। वे यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र के गर्ल अप अभियान का हिस्सा भी रह चुकी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी अधिकतम गति क्या अपेक्षित की गई है? इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, मैक्सिक्स हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यानी कि HSTDV हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने वाले यान के लिए मानव रहित प्रदर्शन वाहन है, जो 20 सेकेंड में मैक छा की रफ्तार तक जा सकता है। किलोमीटर के हिसाब से यह लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। भविष्य में कई मिशनों को अंजाम देने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस छात्र ने 2019 के जेई एडवांस परीक्षा में टॉप किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही कार्तिकेय गुप्ता, दूसरे स्थान पर आपके हिमांशु सिंह रहे इलाहाबाद के, और तीसरे स्थान पर अर्चित तीसरा स्थान दिल्ली के अर्चित बबूना ने हासिल किया। वह महाराष्ट्र के चंद्रपुर क्षेत्र के हैं और उनके पिता चंद्रेश गुप्ता पेपर इंडस्ट्री के में मैनेजर हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेरी टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया? इसका ऑप्शन सही है गुरुग्राम। विवरण, इस कार्यालय में हिंदी महासागर क्षेत्र के 29 देशों के 41 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों व चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस 2 दिवसीय इवेंट का उद्घाटन वाइस एडमिरल MS पवार ने किया था। आयोजन स्थल IFC IOR का उद्घाटन तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें है 71वां स्थान मिला हुआ। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में भारत की रिलायंस इंडस्ट्री को भारत की सबसे बड़ी कंपनी का दर्जा मिला है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 71वें स्थान पर है। लिस्ट में टॉप 10 कंपनियों पर गौर करें तो पहले स्थान पर चीन की ICBC के बाद JP Morgan, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, एप्पल, पिंग एन इंश्योरेंस ग्रुप, बैंक ऑफ चाइना, रॉयल डच सेल और वेल्स फार्गो शामिल हैं। छठवां क्वेश्चन है, गुजरात के लोथल के प्राचीन भारतीय स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना में भारत और किस देश मिलकर काम करेंगे? तो इसका ऑप्शन जो आपका सही है वो पुर्तगाल है। यह संग्रहालय भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग और जलमार्ग से व्यापार की विरासत को प्रदर्शित करेगा। लोथल को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से ऐसे पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं जो समुद्री गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। यह स्थल हड़प्पा वासियों का एक प्रमुख समुद्री गतिविधि केंद्र था। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्य जीवन संस्थान वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया और किस देश के शोधकर्ता के साथ मिलकर असम में धान मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसमें आपका ऑप्शन सही है अमेरिका। खोजी गई इस नई प्रजाति को मिक्रिलेट्टा एसानी नाम दिया गया है। मिक्रिलेट्टा एसानी हाइलाइड वंश के अंतर्गत मिक्रिलेट्टा प्रजाति में रखा गया है। माइक्रो हाइलाइड वंश की सबसे पहली प्रजाति इंडोनेशिया स्थित सुमात्रा के द्वीप में खोजी गई थी। अधिकांश प्रजातियों के मेढक मानसून के दौरान प्रजनन करते हैं। मिलिक्रेट्टा एसानी मानसून की शुरुआत से पहले ही प्रजनन करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विश्व कप 2019 में न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में होने वाला मैच बगैर टॉस हुए ही बारिश के चलते रद्द हो गया, इसके बाद दोनों टीमों को कितने पॉइंट मिले हैं? तो इसमें आपका एक एक सही है। विश्व कप 2019 का वह चौथा मैच है जो बारिश के कारण रद्द हो गया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, श्रीलंका पाकिस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश के मैच बारिश के कारण रद्द हो गए चुके हैं। न्यूजीलैंड और भारत ही ऐसी दो टीमों हैं जिन्हें इस टूर्नामेंट में अब तक हार नहीं मिली है। नवा है, केंद्रीय यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर एवं दक्षिण सिरों को जोड़ने के लिए कितने नए पुल बनाए जाएंगे? इसमें आपके जो ऑप्शन सही है वो है 2। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने केंद्रीय यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से यह काम शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध किया है। बतौर नितिन गडकरी, पुलों के निर्माण का कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इनमें से एक पुल शिवसागर देसांगमुख टेकेली फुटा धाकू आखाना को जोड़ेगा, जबकि दूसरा पुल उत्तर लखीमपुर माजुली और जोरहाट को जोड़ेगा। विश्व भर में बाल श्रम दिवस किस दिन आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन सही है 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की
बनाने की शुरुआत साल 2002 में शुरू की थी। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल की उम्र से कम बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।